अनुपम सर, सबसे पहले आपको हम जानना चाहेंगे, आपने पूरा शो देखा, फर्स्ट शो था, कैसा लगा आपको? बहुत ही उम्दा, बहुत ही कमाल का काम किया अर्पिता जी ने। मैं मेरी इस थिएटर से बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। मैं अपना पहला जॉब यहाँ पर ही किया था 1981 में, आज से 43 इयर्स बैक। और जब मैं इस थिएटर में आ रहा था तो मुझे सब कुछ याद आ रहा था, बट आई थिंक इन्होंने उस याद को इतना खूबसूरत बना दिया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के, थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभिनय तो इनका कमाल का था। आई थिंक बहुत सारे लोगों को, मुझे खुद सीखने को बहुत कुछ मिला। आई नो ये सोच रही हैं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट मैं जेन्युइनली महसूस करता हूँ कि थिएटर जो है आपको बहुत ही हम्बल बना देता है। और मैंने थिएटर अभी भी मैं करता हूँ, और गौहर जान की जो इन्होंने कहानी है इतनी खूबसूरत तरीके से, इतने अलग अलग तरीके से, एक अकेले कलाकार के हैसियत से, मैंने अपना सोलो प्ले किया है, मैं जानता हूँ सोलो प्ले कितना डिफिकल्ट होता है 1.5 घंटे तक, बट हैट्स ऑफ टू यू, फैंटास्टिक, ब्रावो। शुरुआत आज मुंबई से हुई है, अलग अलग देशों में भी शुरू होने वाला है सर, दर्शक जो है उनसे जगह जाना चाहिए, हर शहर के इंसान को, लोगों को, थिएटर लवर को ये प्ले देखना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जहाँ भी इस प्ले का शो हो, और अगर ये परफॉर्म कर रही हैं, मतलब और भी करते हैं कभी कभी, बट तो जरूर जाइए और इस प्ले को जरूर देखिए। मैम आप क्या कहेंगे, कितना प्रैक्टिस करना पड़ा इस शो को करने के लिए, क्योंकि ये घंटा 40 मिनट का लगभग शो था। 1.5 घंटे के बाद ये प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा, कितना क्या मतलब, 4-6 महीने तक करना पड़ा होगा, बहुत करना पड़ा होगा। सही बताया, एकदम सही बताया। कम से कम 6 महीने, गाना, गायकी, डायलॉग, ये सब, फिर रिहर्सल, बहुत किया। अब आप कुछ बोलिए वरना वो तब तक जाने नहीं देंगे। आपके सामने तो आई एम स्पीचलेस, सीरियसली, मतलब अनुपम जी आए और इतना अप्रिसिएशन, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है सच्ची में। बट ये एक बहुत मोटिवेशनल है इनका ये अप्रिसिएशन, कि मैं और भी अच्छा करूँ। मुझे पता है कि आज थोड़ा बहुत वो हुआ है, एरर हुआ है। वो एक्टर को खुद को ही पता लगा जाता, हमें तो नहीं ऐसा महसूस हुआ, बाकी वो कभी खुश होते नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी, कंग्रेचुलेशंस, एंड एवरीबॉडी शुड गो एंड सी दिस प्ले। तो मैम कितना प्रैक्टिस, कितना मेहनत करनी पड़ी शो के लिए, और खास करके शो चालू करने का उद्देश्य क्या था? It's a lot actually, because first of all it's one act, और कोई किरदार है ही नहीं। उसके बाद not only dialogue, there are songs also, all authentic Gaurjan songs, which is pure classical, Hindustan classical, Thumri, Bandish, Drupad, Hamar, then Kirtan, different type of songs in different languages. Ikattha acting karna aur gana gana, दोनों साइमल्टेनियसली, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। आप ब्रेथलेस हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, और इतना बड़ा स्टेज अकेला कवर अप करना, और फिर गाना गाना, और फिर डायलॉग बोलना, गाना गाना, डायलॉग बोलना, बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंज लोगों को पसंद आया, लोगों ने तालियां बजाई, खुद अनुपम खेर ने इसकी जमकर तारीफ की, तो अब कितना हौसला आपका अफजाई हो रहा है, क्योंकि अभी और बाकी है करना? Absolutely, हौसला कुछ नहीं, ये और बेटर करने का जरूर मोटिवेशन मिला है इनकी बातों से, कि और भी अच्छा करनी है, और भी अच्छा करनी है, कर सकती हूँ, करने का जगह है, क्योंकि थिएटर का यही खूबी है। ये फिल्म जैसा नहीं है कि बस शूट हो गया तो हो गया, आप एवरी शो आप इम्प्रूव कर सकते हो, आप कुछ बेटर कर सकते हो, नए नए चीज़ें आप ट्राई आउट कर सकते हो, तो दैट इज समथिंग आई विल ट्राई टू मेक इट मोर बेटर। आपके दर्शक है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? यही बोलूंगी कि बहुत सारे लोगों का, ये खाली मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का बहुत दिनों का, महीनों का, सालों का मेहनत है। अगर आप आइए और आप आएंगे और देखेंगे, तभी जाके दिस एफर्ट विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज एनी फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो डांस हो, सॉन्ग हो, even movie, it is only for you, for audience. So if you don't come and watch, then there is no point. So please do come. We have shows in different cities, almost all cities in India, even in fact abroad bhi hai,
तो प्लीज सबको बताइए, दोस्तों को, फैमिली को, सबको लेके आइए शो देखिए। लास्ट सवाल मेरा, वैसे तो आपने गौर जान जी का पूरा कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन उनके लिए अगर जो दो शब्द कहना हो तो आप क्या कहेंगे? शी इज अ ट्रू एग्जाम्पल एंड एपिटम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। कैमरामैन खंडू के साथ गोविंद ठाकुर, TV9 मुंबई। हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।